नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उरुग्वे एक ऐसा देश है जिसमें औसतन हर एक आदमी के पास चार गायें हैं और वह एक देश इस समय विश्व में खेती के मामले में नंबर वन की पोजीशन में है। सिर्फ 35 लाख लोग हैं उस देश में और लगभग 1,20,00,000 से भी ज़्यादा गायें हैं। हाँ, मानता हूँ कि उस देश की जनसंख्या कम है, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा ले रखा है। हर गाय के कान पर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा रखी है, जिससे कौन सी गाय कहाँ पर है वो देखते रहते हैं। एक किसान मशीन के अंदर बैठा फसल कटाई कर रहा है तो दूसरा उसे स्क्रीन पर जोड़ता है, फिर फसल का डेटा क्या है इकट्ठा किया जाता है। किसान प्रति वर्ग मीटर की पैदावार का स्वयं विश्लेषण कर लेता है। 2008 में 35 लाख लोगों का देश 90 लाख लोगों के लिए अनाज पैदा करता था और आज की तारीख में 2,80,00,000 लोगों के लिए अनाज पैदा करता है। उरुग्वे के सफल प्रदर्शन के पीछे देश, किसानों और पशुपालकों का दशकों का अध्ययन शामिल है। अगर आप देखें, पूरी खेती को देखने के लिए 500 से ज़्यादा कृषि इंजीनियर लगाए हुए हैं, जो ड्रोन और सैटेलाइट से किसानों पर नज़र रखते हैं कि खेती का यह तरीका ठीक तो है और उन्हें समय समय पर जानकारियां प्रदान करते रहते हैं। यानी कि दूध, घी, दही, मक्खन के साथ आबादी से कई गुना ज़्यादा उत्पादन होता है। सब अनाज, दूध, दही, घी, मक्खन आराम से निर्यात होते हैं और किसान लाखों में कमाता है। एक आदमी की कम से कम आय 1,25,000 रुपये महीने से 1,50,000 के आसपास होती है, यानी लगभग $20,000 सालाना, 20 से 25 हज़ार डॉलर सालाना। इस देश का राष्ट्रीय चिन्ह सूर्य है, जो कि एक प्रगति का रूप है, और राष्ट्रीय पशु गाय व घोड़ा है। उरुग्वे में गाय की हत्या पर तत्काल रूप में फांसी का कानून है। यह है गौप्रेम दोस्तों। मुख्य बात है कि ये सभी गोधन भारतीय है। जी हाँ दोस्तों, उरुग्वे में भारत से कई गायें लेके जाई जाती है, जिसे वहाँ इंडियन काउ के तौर पर जाना जाता है। दुख इसी बात का है कि भारत में गो हत्या होती है, वहाँ उरुग्वे में गो हत्या पर मृत्यु दंड का प्रावधान है। हम इस कृषक राष्ट्र से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, हम कहते तो है कृषि प्रधान देश, हमारी देशभक्ति की बात हम करते हैं, हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन क्या हम उस तर्क के दृष्टि से आगे बढ़े हैं? नहीं दोस्तों, हमें एक सबक लेना होगा उरुग्वे जैसे देश से। हम आज भी कृषि में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बस हमें बदलाव की आवश्यकता है, हमें भी सोच को बदलना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।